धन्यवाद देना चाहता हूँ डीजीआर के बिहाफ पर। डीजी साहब जैसा कि बोलते ही हैं हमेशा कि हमारे जितने इंस्टीट्यूट हैं वो हमारे ईएसएम के लिए जो काम कर रहे हैं दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड इट इज टेकिंग द थिंग अ लॉन्ग वे। एंड आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ पहले से सेशन में चल रहे हैं और आगे जिस तरीके के हमारे पास प्रपोजल्स आ रहे हैं वो एक्चुअली काफी सराहनीय है। थैंक यू सो मच आईसीएम भोपाल फॉर ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन विच यू पीपल हैव डन। कमिंग टू द कोर्स प्रॉपर, ये कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे था। आप सारे पार्टिसिपेंट्स को भी मेरे तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द टाइम्स टू कम, क्योंकि आप एक सिविल लाइफ जीने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था। आईसीएम भोपाल का जो एक कोर्स है ये आई एम वेरी श्योर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा इन एवरी वे। एक तो ये एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल के ऊपर था, प्लस जिस तरीके से फैकल्टी अभी तक मैंने मतलब ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा कोर्सेज देख चुका हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, चार स्टेट्स में तकरीबन। एंड जिस तरीके से हमारे ये इंस्टीट्यूट्स आप लोगों को बताते हैं चीजों के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्लस जो आपको बेसिक नीड्स हैं इन द सिविल स्ट्रीट उसके बारे में अवगत कराते हैं, वो सराहनीय है। और अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। मैं आपको, आपके परिवार को, सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस देता हूँ जिससे कि आपका आगे का जो कार्यकाल है वो बहुत अच्छे से निकले। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो फैकल्टी ने इतना आपके ऊपर मेहनत करी है उसके ऊपर आपका क्या फाइनल वर्डिक्ट रहा है, वो आप क्या करेंगे आगे उससे पता चलेगा। अभी आप जो बोलेंगे वो तो मैं सुन लूंगा, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट एक्चुअली जो आप ग्राउंड में करेंगे उससे पता चलेगा। तो आप प्लीज लिख करके दें कि आप लोगों ने क्या प्लानिंग करी है आगे की। अगर कोई एक स्टेज आगे बढ़ गया है, किसी ने कोई एग्जाम दिया है, कहीं इंटरव्यू दिया है, प्लीज उसे लिखें और आगे भी इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड रहे, इंस्टीट्यूट को बताएं कि आप कहां पहुंच गए। ये बहुत ज्यादा ना, जिसे कहते हैं कि हम लोगों का भी जो है एक हौसला बनता है और नेक्स्ट आने वाले कोर्स के लिए जो आपका इंस्टीट्यूट है उसके प्रोजेक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कार्रवाई होने में बहुत दिक्कत आती है। वो तब आएगा जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे और आप लोग हमें बताएंगे उसके बारे में। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि बंदा कोर्स करके चला जाता है, हमको 2 से 3 साल बाद कहीं पर वो टकराता है और वो तब बताता है कि उसने फलाने इंस्टीट्यूट से कोर्स करा। तो दिस इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ दैट इंडिविजुअल, बिकॉज वो इंस्टीट्यूट ने आपके ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करा, अपना मेहनत लगाई और गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पैसा लगाया। अगर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो उसके बारे में प्लीज इंस्टीट्यूट को आप बताएं। आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, फील फ्री, आप में से मैक्सिमम लोग अभी कुछ दिन फौज में रहेंगे यानी डिफेंस में रहेंगे, आर्मी नेवी है वो सारे लोग, एंड देन यू विल मूव आउट। सो एक्चुअली आप अभी से 3 महीने से लेकर 6 महीने में बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद ही आपका फ्रेश जिंदगी या फ्रेश जॉब प्रोफाइल क्रिएट होगा या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होगी। अगर आप तब तक हमें नहीं बताते और भूल जाएंगे कि आपने एक कोर्स करा था आईसीएम को, एक्चुअली आईसीएम को प्रॉब्लम होगी। बेचारों ने इतनी मेहनत करी आपके ऊपर, इतना टाइम लगाया, बहुत कुछ सिखाया, आप ये मेरे बात से 100% मानेंगे कि उन्होंने एक्चुअली आपके ऊपर मेहनत करी। इट इज वेरी डिफिकल्ट एक मिडिल एज इंडिविजुअल को कोई चीज पढ़ाना, समझाना और उसे एक रिजल्ट ओरिएंटेड लोकेशन तक नहीं कर दिया, जो कि वो लोग कर रहे हैं आपके साथ। आप सोच के देखिए, अभी तक आप लोग जो भी कोर्स पे जाते थे उसका पहले से आपके पास मटेरियल होता था, कुछ ना कुछ उसके बारे में पता होता था। यहाँ पर आप एकदम अप्रेश आते हैं और उसके बाद इंस्टीट्यूट आपके ऊपर इतनी मेहनत करके 35 साल से जनरली ले करके और 52-53 ईयर तक के एज के लोग पहुंचते हैं, इतनी वैरायटी ऑफ एज ग्रुप को लेकर के भी और एक रिजल्ट लेकर के आना, वो इंस्टीट्यूट के लिए बहुत मुश्किल का काम है। उन्होंने इतनी मेहनत करी है, उसके ऊपर रिजल्ट तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप प्लीज अपने, अगर कुछ कर लिया है ऑलरेडी, आपने स्पीड वर्क खत्म कर लिया है तो उसके बारे में बताएं। एंटरप्रेन्योरशिप का काम आपने कर लिया होगा अगर किसी ने सोचा है, और अगर जॉब के बारे में भी आपने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं तो प्लीज उसे लिख करके दें, बिकॉज हम ऑलरेडी मांग चुके हैं इंस्टीट्यूट के पास, हमारी मेल है विद रिस्पेक्ट टू सक्सेस स्टोरीज। आई विल रिक्वेस्ट द इंस्टीट्यूट कि प्लीज आप लोग इनको कंपाइल करके हमको भेजें, और जो इसके पहले के भी हैं
जो आज से एक साल पहले लोग कोर्स करके गए उनकी भी डेटा अगर आपके पास आ गई है तो वो भी हमें बताएं, बिकॉज गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, मैं इस फोरम में बताना चाह रहा हूँ कि उनमें से जो कुछ लोग जिन्होंने कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रखा है उसको दिल्ली में पुरस्कार दिया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पर। इंडिविजुअल्स को इस तरीके के जो इंस्टीट्यूट में कोर्स चल रहे हैं वहां पर भेजा जाएगा फॉर डिलीवरिंग अ शॉर्ट लेक्चर, विच विल बी अ बिग बूस्टर बोथ फॉर दोज पीपल जो कि उस समय उस कोर्स को कर रहे हैं कि हम में से एक बंदा है जो यहां तक पहुंचा है, एंड सेकेंड उन लोगों के लिए जिन्होंने कोर्स को करवाया कि भाई बंदा इतना आगे तक पहुंचा है, मेरा पढ़ाया हुआ बंदा है ना, सो फॉर बोथ द थिंग्स इट इज गुड। सो प्लीज बी पार्टी टू द सेम, ये गवर्नमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है और अगर आप लोग रिजल्ट नहीं देंगे तो आपके लिए भी नुकसान है और आने वाले कोर्सेज के भी नुकसान है। विद दैट आई लाइक टू एंड, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आईसीएम भोपाल, आप लोगों के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू गो फर्दर वेरी लॉन्ग वे अहेड, थैंक यू सो मच। और आपने जैसा चाहा है कि सक्सेस स्टोरीज की जो बुकलेट हम लोग बनाए तो निश्चित रूप से हम लोग उसका कंपाइलेशन करेंगे और वो जानकारी कंपाइल करके हम आप तक साझा करने का प्रयास भी करेंगे सर, और ये बड़ा अवेलेबल सुझाव है और इससे हम लोगों को भी एक गाइडलाइन मिलती है कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं और हमारे एफर्ट्स में जो भी गैप है उसको हम आप कैसे फुलफिल करें। इसी दौरान मैं अपने देश के लिए कुछ कहूँगा, जमीन पर घर बनाया मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी कुछ नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सर का समय बहुत मूल्यवान है और सर को आपका फीडबैक सर तक पहुंचे और मैं चाहूंगा कि बिना किसी समय को जो है मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं आमंत्रित करूं, तो सबसे पहले यहां पर जो भी आए अपना इंट्रोडक्शन दें और उसके बाद 2 से 3 मिनट अधिकतम 2 मिनट और मैक्सिमम 2 मिनट और न्यूनतम 2 मिनट में आप अपनी बात कहें, तो प्लीज एक एक करके आइए अपना इंट्रोडक्शन दें और अपनी बात सर तक पहुँचाएं प्लीज। सर इंस्पेक्टर सेंट्रल कमांड लखनऊ से जो हम लोगों को गाइड मिलता है, मैं सबसे पहले जो DGR लखनऊ आपको धन्यवाद दूंगा कि ये इतने अच्छे कोर्स ICF पाल में चला रहे हैं। इंस्पेक्टर सेटिंग डायरेक्टर मैम मिताजन मैम, परिहार सर, कोलिया मैम, हम लोग यहाँ पे 10 जुलाई 2023 से लेके आज 27 अक्टूबर 2023 को तकरीबन 16 वीक का कोर्स हुआ। इस कोर्स में हमको जो सीखने के लिए मिला बहुत मूल्यवान चीज, एक से एक क्वालिफाइड जो हमारे टीचर हैं गुड़िया मैम, परिहार सर, सक्सेना सर, सृष्टि मैम, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे परिहार सर के बारे में बता रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर से सर हैं, रिटायर्ड हैं और जो हमको जिस चीज के लिए जरूरी चाहिए वो सर क्लास में प्रॉपर आके बताए कि आप अगली जो लाइफ रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, पैसे का यूटिलाइज आप कैसे करोगे, किस सेक्टर में पैसा रखोगे, उस बारे में सर ने पढ़ाए, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं सर का। बोलिया मैम, जो जितना बोले उतना कम है, हर चीज यहां तक कि मैम हम लोगों को विजिट भी कराए, एक दिन में 3 विजिट, ये छोटी मोटी बात नहीं है। उसके साथ में सक्सेना सर भी थे जो कि हम लोग को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके विजिट करवाए और उसके बारे में नॉलेज दिए, थैंक यू मैम। और मैं आप हमारे बात को सुन रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी क्लास मिस नहीं हुआ,
100% स्टूडेंट आए क्लास में, एज पर मैं क्लास का सीनियर हूँ, 100% कोई भी जितना हम लोगों को बोला गया था कि आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, इतनी आपको इतने टाइम पे आना है, आपको इतने टाइम पे जाना है, बिल्कुल हमारे तीनों सेना नेवी एयरफोर्स आर्मी प्रॉपर आए, टाइम से पहले आए और जब हमारा कोर्स खत्म हुआ उसके बाद गए। और सभी कोई भी इस क्लास के अंदर अनडिसिप्लिन एकदम नहीं हुआ और क्लास अच्छे से चला और आज वो दिन भी आ गए जो कि हम सीख के जा रहे हैं। मैं सुबेदार मेजर एसके साहा 616 ईएमई बटालियन 224 आर्मर्ड वर्कशॉप में श्री गंगानगर से आया हूँ। मैं अपना जब रिटायरमेंट के बाद जो मैं अपना प्रोजेक्ट के बारे में काम कर रहा हूँ वह मैं बिल्डर्स का काम एज पर लगभग मैं शुरू कर चुका हूँ और मैं जब 31 मार्च 2024 को मैं जब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा इसमें 100% में एफर्ट लगाऊंगा अपना भी जोड़ूंगा। अभी मैं ऑलरेडी मैं सर्विस में हूँ, उतना मैं नहीं कर सकता हूँ, कर रहा हूँ मैं बंदों को देके, लेबर को देके काम स्टार्ट हो चुका है मेरा, 50% काम मेरा हो चुका है और 50% काम जब मैं सेवानिवृत्त होकर आऊंगा फिर मैं उस पर 100% काम करूंगा। और ये डीजीआर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतना कॉपरेट के साथ हम लोगों को कोर्स करवाए, किसी भी चीज की कोई भी कंप्लेन नहीं है। होते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे 27 हमारे स्टूडेंट हैं, इसमें 3 एसएम हैं, 1 नेवी के, 2 आर्मी के हैं, सूबेदार हैं और सूबेदार बहुत सारे हैं, माने सब हायर रैंक वाले हैं। तो सब एज पर कभी हमको ये महसूस नहीं हुआ कि ये एयरफोर्स के हैं और ये नेवी के हैं, वो महसूस नहीं है। हम तीनों भाई आए कोर्स किए और मैं अच्छे से यहाँ से आज विदा हो जाऊंगा। मैं साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आईसीएम भोपाल एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमको मिला कि डिसिप्लिन प्लस पढ़ाई नंबर 1, इसके लिए सर थैंक यू, जय हिंद सर। कर्नल साहब की जानकारी में लाना चाहूंगा कि कल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 27 से 27 उसमें से वो ग्रेड हमारे यहाँ पर 80% अबव माना जाता है, तो 8 लोगों ने एक वो ग्रेड को अचीव किया है सर। और ये ग्रेड में 18 लोगों ने अपने आप को पाया है और ये 70 to 80% का की रेंज है। और बी ग्रेड जो हमारा ग्रेड में एक ही पार्टिसिपेंट है जो मोर देन 60% वाला ग्रेड है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है सर। और मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि इसमें से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका विजन बड़ा क्लियर हो गया कि वो रिटायरमेंट के बाद में एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं, और दोनों सेगमेंट की बात हुई है कि वो सर्विस के रीएम्प्लॉयमेंट में जाना चाहेंगे या खुद का कोई भी वेंचर शुरू करना चाहेंगे। तो ये विजन पार्टिसिपेंट ने अपने आप को क्लियर करके एक प्रकार का निर्णय कर लिया है। मैं चाहूँगा कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स आएँ और अपनी बात रखें। रेस्पेक्टेड डायरेक्टर एंड आवर फैकल्टीज अवेलेबल ओवर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक टू द डीजीआर that in spite of being the critical manpower shortage and DGR still taken initiative and they have spared us so that we can start our second year. So on behalf of all the personnel over here from all three services, I would like to convey from bottom of our heart to our DGR staff and officers that they have considered our requirement and really we are very thankful. And secondly, to the ICBM organization over here. Here, all the faculties are stalwart and expert of their field. And even we all people are a bunch of different varieties, like some are on like superannuation and some are looking for the second career. For all type of personnel, they have provided to the point guidance. And you will be very happy, sir, after knowing that even the personnel
who has retired and they are still in touch with them. And the person who has undergone course over here 2 years before, they are still seeking guidance from these experts. And such a wonderful rapport they have created over here. And here we have also learned about the investment, so that how we can invest judiciously our hard-earned money. As an expert, and Parihar sir is very truthful about the investment. So they have guided us that how we need to invest our hard-earned money so it should be safe as well as we can make it grow. And apart from that, the life skill, which have been taught by the faculties over here. It's all about, you know, that we be lifetime with us. So I will say that, sir, giving the courses to the ICDM Bhopal, it will be very beneficial. And the faculties over here, I don't have words to describe for them. Thank you very much. एक्सक्यूज मी, एक्चुअली आई हैव टू गो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस फॉर द फ्यूचर. आईसीएम भोपाल आपके साथ हमारा एसोसिएशन जरूर आगे तक जाएगा विद द काइंड ऑफ गाइडेंस, कोर्स एंड एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन. आई एम वेरी श्योर ऑन दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आई विल साइन ऑफ.